येवला येथील गुरुद्वारा येथे बाबा तारासिंह जी यांची 36वी पुण्यतिथी सद्भावनापूर्वक साजरी करण्यात आली। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। अज ये जो बरसी समागम गुरुद्वारा साहब येवला में चल रहे ने, ये संत बाबा तारा सिंह जी, संत बाबा चरण सिंह जी सरियाली साहब, जिन्हां ने अपना सारा ही जीवन समाज सेवा दे विच लाया, बार सेवा दे विच लाया, गुरुद्वारे सरोवर हस्पताल कालज रस्ते पक्के करवाए, होर भी जो भी समाज के काम भलाई वास्ते हर धर्म के नाल संबंधित वो सारे कार्य किए, और देशों विदेशों के विच उन्हां नूं दुनिया मंदी है, हर धर्म के लोग उन्होंने मानते ने, जिन्होंने सारा जीवन सेवा नूं समर्पित कर दिता, अपना घर बार त्याग के सेवा नूं समर्पित हो गया, और अज देशों विदेशों तक दुनिया उन्होंने मानती है। उन्होंने अज 36 साल उन्होंने हो चुके ने इस दुनिया तो गए हुए, अज भी दुनिया उन्होंने जुगो जुगो उन्होंने दुनिया याद करती रहेगी। सो अज उस उपलक्ष्य दे विच ये बरसी समागम हो रहा है। सो सारिया संगत वध चढ़ के इतने हाजरी भर रही ने। वाहगुरु जी अज भी उन्होंने चलाए हुए जो प्रोग्राम ने, जो सेवा के कार्य आरंभ किए हुए ने, उन्होंने बाबा सुखा सिंह जी, बाबा अगम सिंह जी बहुत ही सचजे ढंग के नाल चला रहे ने। इस तरह वो कृपा बनाई रखन, साढ़े उत्ते भी मेहर कर, असी इस तरह उन्होंने दिहाड़े मनाते रहिए, तो संगत उन्होंने पाए हुए पूरने से चलदिया रहन। वाहगुरु जी का खालसा वाहगुरु जी की फतेह। खालसा वाहगुरु फतेह। आज अपने येवला नगरीत गुरुद्वाराची 36वीं वर्षी आयोजित के लिए बाबा तारा सिंह खूब समाजसेवा के लिए, बाबा चरणजीत सिंह हैं आज 36वीं वर्षी येवला नगरीत आज इथं आपण धूमधामने साजरी करत आहो। प्रत्येक धर्माचे लोक, प्रत्येक धर्म, प्रत्येक कास्टचे लोक आज इथं सगळे येऊन आपले सेवा आणि गुरु का लंगरचा सगळ्या गोष्टी इथं आज प्रत्यक्ष करत आहे। तरी सगळ्यांना विनंती आहे, सर्व धर्म समान या भावनेने आज येवला नगरीत जे कार्यक्रम आहे या कार्यक्रमाला सगळ्यांनी उपस्थित राहावे। वाहेगुरुजी खालसा वाहेगुरुजी की फतेह। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। समूह संगतों के सहयोग नाल संत बाबा सुखा सिंह जी, बाबा अगम सिंह जी उन्होंने सहयोग के नाल, जहेदार भाई पिंदर सिंह जी उन्होंने सहयोग के नाल, बाबा तारा सिंह जी की, बाबा चरण सिंह जी की 36वीं बरसी बड़ी हुमा के धूमधाम नाल मनाई जा रही है। सब संगतों का कोटन कोट धन्यवाद। लंगर खीर प्रसाद सब संगतां दे सहयोग नाल चल रहा वा। महापुरखां दी बड़ी चढ़दी कला, बाबा सिंह जी दी, बाबा सिंह जी दी रहनमई हेठ जथेदार भाई पिंदर सिंह जी दे सहयोग नाल चल रही आ। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। संगत जी, अज बाबा तारा सिंह जी दी अते बाबा चरण सिंह जी दी बरसी येवले गुरुद्वारे विखे मनाई जा रही आ, ते सारे संगतां नूं सारी संगतां नूं सहयोग दिखे मनाई जा रही है। सारी संगतां ने येवले गुरुद्वारे विखे हाजरी भरनी आ, ते भरियां ने संगतां भरियां ने हाजरियां, ते सारियां ने येवले गुरुद्वारे का आनंद प्राप्त करना। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। ऑन दिस ओकेजन आई करणजोत सिंह Sekho is present in Yavla Gurudwara. So on this occasion we all are present here to tell about some death anniversaries of Baba Tara Singh ji and Baba Charan Singh ji. On this occasion from common man to VIP man, all are present here to give them some respect, and they are the man who have helped a lot to all the caste, and they have developed our India very much. These are the man who have represent a good role in our society.
So from my side, I respect them a lot. Thank you and have a nice day. Today is Baba Tara Singh Ji Barsi. Baba Charan Singh Ji Barsi aaj. Manai ja rahi hai aaj. Saath Sangat de slogan hai. बाबा तारा सिंह जी यांचा जन्म 1927 मध्ये झाला होता आणि त्यांचा देहांत 1 जानेवारी 1987 रोजी झाले असता. सदर गुरुद्वारा या ठिकाणी दरवर्षी पारंपरिक पद्धतीने बाबा तारा सिंह जी यांची पुण्यतिथी असो किंवा जयंती असो ही अत्यंत सद्भावनापूर्वक साजरी करण्यात येते. आणि प्रत्येक वर्षी ज्याप्रमाणे आज पुण्यतिथी साजरी करण्यात येत आहेत, तर या ठिकाणी आज हजारो भाविकांनी येवला येथील गुरुद्वारा येथे येऊन दर्शन घेतले. त्याचप्रमाणे महाप्रसादाचा आयोजन, अन्नदानाचा आयोजन या ठिकाणी लंगरच्या स्वरूपात करण्यात आलेले आहेत आणि या लंगरमध्ये अतिशय रुचकर स्वादिष्ट भोजनाची व्यवस्था बाबा पिंदर सिंगजी त्यांच्या देखरेखीत करण्यात येते. आज बाबा पिंदर सिंगजी यांच्या देखरेखीत बाबा तारा सिंह जी यांची आज 36वी ॲनिव्हर्सरी पुण्यतिथी साजरी करण्यात येत आहेत. आपण बघत आहोत, या आम्ही आपल्या दाखवण्याचा प्रयत्न करतोय की किती स्वादिष्ट भोजन आहाराचं आयोजन या येवला येथील गुरुद्वारा व भाविक भक्त यांच्या योगदानातून आज करण्यात येत आहेत. आपण बघत आहोत या ठिकाणी सर्व ताजा उपहार अन्न शिजवून येणाऱ्या भाविक भक्तांसाठी लंगर स्वरूपात त्यांना प्रसाद देण्यात येत आहे. सोबतच आपण चित्रामध्ये बघत आहोत या गुरुद्वारासमोरील भाविक महिला या ठिकाणी सकाळपासून बाबाजींच्या दर्शनासाठी आलेल्या आहेत आणि बाबाजींचे भजन कीर्तन प्रवचन यावरती संगीतमय सत्संग संपूर्ण ह्या ठिकाणी बघत आहोत. बाबाजींची सेवा येते या ठिकाणी बघत आहोत. हा गुरुद्वारा फक्त धर्मियांचं जरी असलं तरी त्या ठिकाणी सर्व पंचधर्माचे लोक या ठिकाणी येतात आणि तर गुरुद्वाराची आपली उपस्थिती दर्शवतात, आपल्या भावना व्यक्त करतात. आपण बघत आहोत संता की ओत को
वाहगुरू जी का खालसा वाहगुरू जी की फतेह। अज ये जो बरसी समागम गुरुद्वारा साहब जेवला में चल रहे हैं, ये संत बाबा तारा सिंह जी, संत बाबा चरण सिंह जी सरियाली साहब, जिन्हां ने अपना सारा ही जीवन समाज सेवा दे विच लाया, कार सेवा दे विच लाया, गुरुद्वारे सरोवर हस्पताल कॉलेज रस्ते पक्के करवाए, होर भी जो भी समाज के काम भलाई वास्ते हर धर्म के नाल संबंधित वो सारे कार्य किए, और देशों विदेशों के उन्होंने दुनिया मनती है, हर धर्म के लोग उन्होंने मनते ने, जिन्होंने सारा जीवन सेवा को समर्पित कर दिता, अपना घर बार त्याग के सेवा को समर्पित हो गया, और अज देशों विदेशों तक दुनिया उन्होंने मनती है। उन्होंने अज 36 साल उन्होंने हो चुके ने इस दुनिया तो गए हुए, अज भी दुनिया उन्होंने तो जुगो जुगो उन्होंने दुनिया याद करती रहेगी। सो अज उस उपलक्ष्य दे विच ये बरसी समागम हो रहा है। सो सारिया संगत बद चढ़ के इतने हाजरी भर रही ने, वाहगुरु जी अज भी उन्होंने चलाए हुए जो प्रोग्राम ने, जो सेवा दे कार्य आरंभ किए हुए ने, उन्होंने बाबा सुखा सिंह जी, बाबा अगम सिंह जी बहुत ही सुचजे ढंग के नाल चला रहे ने, इस तरह कृपा बनाई रखन, साढ़े उत्ते भी मेहर कर, असी इस तरह उन्होंने दिहाड़े मनाते रहिए, तो संगत उन्होंने पाए हुए पूरने से चलद रहन। वाहगुरू जी का खालसा वाहगुरू जी की फतेह। खालसा वाहगुरू फतेह। आज अपने यवला नगरीत गुरुद्वार की 36वीं वर्षी आयोजित के लिए बाबा तारा सिंह खूब समाजसेवा के लिए, बाबा चरणजीत सिंह हमें आज 36वीं वर्षी यवला नगरीत आज इथं अपन धूमधाम ने साजरी करत आहो। प्रत्येक धर्माचे लोक, प्रत्येक धर्म, प्रत्येक कास्टचे लोक आज इथं सगळे येऊन आपले सेवा आणि गुरु का लंगरचा सगळ्या गोष्टी इथं आज प्रस्तावित करत आहे। तरी सगळ्यांना विनंती आहे, सर्व धर्म समान या भावनेने आज येवला नगरीत जे कार्यक्रम आहे या कार्यक्रमाला सगळ्यांनी उपस्थित राहावे। वाहेगुरु जी खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। बोले सोनिया, जो बोले सोनिहाल। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी।